देखो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स में हमने पढ़ा था सीड, ठीक है ना। अच्छा, अब हम पार्ट्स ऑफ सीड्स पढ़ेंगे। लुक एट द पार्ट ऑफ अ सीड। अच्छा, आप ऐसा करेंगे ना, आप देखते हैं आपकी मम्मा लोबिया जो है, चना जो है ना, वो क्या करती है, वो पकाती है, तो वो सीड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये लोबिया का आपको एक सीड दिया है, जिसमें ये देखें ये एक स्कार है, यानी एक सुराख सा है, और ये होल है, ये लोबिया का है, ठीक है, जिसको हम बीन कहते हैं। अच्छा, ये है सीड लीव्स। अच्छा, अब अगर हम इसको ज़मीन में उगाएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा कि ये इसमें ये एक ये दो हिस्सों में सीड को डिवाइड किया गया है, तो बताया गया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब कुछ अरसा और वो हम उसको पानी देते हैं, उसको ज़मीन में उगाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये जो बेबी शूट है ये निकलना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये शूट में चला जाता है, और ये बेबी रूट यानी ये ज़मीन में ऐसे आना शुरू हो जाता है। सीड्स हैव अ बेबी प्लांट इनसाइड देम, ठीक है, ये बेबी प्लांट है। द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग एंड बिकम्स अ हेल्दी प्लांट वेन इट गेट्स वाटर, एयर, सनशाइन एंड गुड सॉइल। ये देखो बच्चों, ये जो हमने ये एक आपको एक प्रोसेस बताया है, ये पहले हम जो सीड है उसको ज़मीन में उगाते हैं, बोते हैं, उसके बाद हम उसको पानी मिलता है, उसको रोशनी मिलती है, उसको अच्छी ज़मीन मिलती है। तो ये देखें, ये इसका ना जो प्लांट का हिस्सा है, ये देखें कुछ हिस्सा नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ अरसा बाद टाइम गुजरता है तो कुछ हिस्सा ऊपर जाता है और कुछ हिस्सा नीचे जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर जाता है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है, इसमें ये जो है रूट्स बन रहे हैं, और ये एक और नया प्लांट जो है कुछ दिनों में अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो इसी में जब हमने पढ़ा कि सीड जो है उसी से एक नया प्लांट बनता है जब हम ज़मीन में उगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। आप इसकी अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप सारा काम लर्न करें। अल्लाह हाफिज़।